नमस्कार, कैसे हैं आप? सतीश जी सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मुझे याद है शायद 17-18 जून से हम लोगों ने खबर करनी शुरू की, एकाएक खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, कनाडा से सड़कों पे कुत्ते की तरह मारे जा रहे थे और बड़े बड़े माल कमा करके आतंकवाद भारत में फैला रहे थे। उन सबको जमीन खा गई, आसमान निगल गया, पता ही नहीं चल रहा था। तो मान लिया जाओ तो छुटभैये थे, अभी पन्नू करा रहा है। लेकिन कमाल की बात है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी हाफिज सईद, जो यहां के खैरातियों और जिहादियों को माल सप्लाई करता था, वो फफकार मार करके रो रहा है, उसका लौंडा गायब हो गया है। सर इतने बड़े आतंकी का लौंडा गायब हो गया है, तो ये हो क्या रहा है? ये एकाएक हो क्या रहा है कि उसका लौंडा गायब हो गया? वो जो दूसरों की बर्बादी करता था, उसका खुद का लौंडा गायब हो गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उसकी आर्मी, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहां जो लौंडा पैदा किए हुए हैं, इतने जो जिहादी हैं, जिसने जो पाकिस्तान को और हाफिज सईद को बाप मान रहे थे, आप अभी याद दिला रहे थे कि दिग्विजय सिंह के बारे में, और फिर सुशील कुमार शिंदे को भी नहीं भूलना चाहिए, ये खैराती पांडे, बलात्कारी पांडे का भाई, ये भी अपना बाप हाफिज जी, हाफिज ओसामा जी, ओसामा जी तो मुझे लगता है दिग्विजय ने कहा, और हाफिज सईद, हाफिज जी जो हैं वो देश का पूर्व गृह मंत्री कह रहा था। तो ये इतने बड़े आतंकी के लौंडा गायब हो जाना, ये कितना सामान्य है सर? ये डोभाल साहब कर क्या मनीष रहे हैं? जी, ये बड़ी खबर है कि आतंकवादियों का, पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं उनका वो बाप है। बाप नहीं, इसको महा बाप कह लीजिए। सबसे बड़ा आतंकवादी, $50 लाख का इनामी घोषित, 33 साल की सजा पाया हुआ है पाकिस्तान। वो सजा क्या मायने है, लेकिन वो इतना बड़ा आतंकवादी है कि उसके चक्कर में जो FATF का था, पाकिस्तान भंगी होने कगार पर था, एकदम कंगाल। तो उसको दिखाने के लिए पाकिस्तान को भी 33 साल की उसको सजा देनी पड़ी है। वो जेल में है आजकल, जेल में उसको, यह बात अलग है कि उसको पूरे आराम दिए जा रहे हैं। और सबसे खास बात कि वो पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तान की सेना की आंख का तारा है। वो जैसे कहते हैं, दामाद का भी दामाद है, सुपर दामाद है पाकिस्तानी आर्मी, और ISI का उसको बिल्कुल संभाल के वो रखते हैं। और उस हाफिज सईद का लड़का कल पेशावर से गायब हो गया, और जो चश्मदीद गवाह है वो बता रहा है कि मोटर सवार लोग आए, खींच के उसको अपने साथ ले गए। तो ये तो ये बड़ी खबर है मनीष जी, ये भारत के लिए तो बहुत शुभ खबर है। बिल्कुल, ये 2008 का जो मुंबई हमला था, या जितनी आतंकी वारदातें हुई थी, उसका ये नैसर्गिक न्याय कह लीजिए, ऊपर वाले का न्याय कह लीजिए, जो जो भी कहिए। तो मगर वो एक भारत के लिए बड़ी शुभ खबर है, अच्छी खबर है, और वैसे भी ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वो लो प्रोफाइल या कोई ऑर्डिनरी आतंकवादी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो पूरे पाकिस्तान के आतंकवादियों का बाप है, और पाकिस्तान की सेना उस आग की, ISI की आग का सुरमा है। तो जिसने गायब किया है पाकिस्तान के हाफिज सईद के लड़के को, उसने लड़का नहीं गायब किया हाफिज सईद का, उसने पाकिस्तान की आर्मी और ISI की आंख से सुरमा चुरा लिया है। ये समझिए आप कितना ऊंचा काम है। लेकिन मनीष जी, ये तो खबर बड़ी है। एक इससे ज्यादा बड़ी खबर है जो इसी खबर में छुपी, जो लिखी नहीं गई है, लेकिन वो खबर जो है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और वो उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि खबर क्या है जो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है, कि हाफिज सईद के लड़के को गायब किए हुए 36 घंटे हो गए, और पूरी ISI, पूरी पाकिस्तानी आर्मी, पूरे पाकिस्तान की पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है उस लड़का। तो छोड़िए, अभी तक वो ये नहीं पता कर पाए हैं कि लड़के को गायब किसने किया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये सोचिए कि, और ये पेशावर में हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि बॉर्डर में, कश्मीर के बॉर्डर में या लाहौर के पास वाले बॉर्डर में, अटारी बॉर्डर में गायब हुआ है। पेशावर जो सबसे बड़ा गढ़ है इनका, ये बड़ा मजबूत मानते हैं, वहां अफगान है, पठान है, और इसीलिए वो वहां था ही। हाफिज सईद अपने परिवारजनों को इसी तरह सुरक्षित रखता है, और वहां से 36 घंटे पहले उसका लड़का गायब। और जो प्रत्यक्षदर्शी उस समय मौजूद थे, उन्होंने बताया कि इसको कार में घसीट के लादा हो, वो लेके कहीं चले गए, कौन थे, कहाँ गए। और ये बात, लड़का तो लड़का लाना तो दूर की बात है, अभी तक ये नहीं पता कि लड़के को ले कौन गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है,
और इसको हम मैं तो उसी से जोड़ के देखता हूँ कि भारत के दुश्मन करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में गिरा दिए गए, लेकिन उनको गिराने वाला कौन था ये पाकिस्तान आज तक पता कर रहा, हवा में तीर मार रहा है, हाथ पांव मार रहा है। दूसरे इसका एक महत्व और समझिए मनीष जी, कि वो इन्हीं आतंकवादियों को जिस तरह से पाकिस्तान बचाता है, उसी तरह से ट्रूडो ने इन जो अभी बयान दिया था भारत के खिलाफ कि भारत ने हमला कर दिया, भारत के आतंकवादी थे मारने वाले थे जो निज्जर को जिन्होंने मारा, वो केवल प्रेशर टैक्टिक्स थी ट्रूडो की, ISI के इशारे पे की गई थी कि इस तरह का कोई बयान देते तो कम से कम आगे ना मारे जाए, ये ट्रूडो ने कहा था। तो जिस दिन ट्रूडो ने बयान बनाने की कोशिश की उसके 48 घंटे के अंदर सुखा वहीं गिरा दिया गया पाकिस्तान कनाडा में ही, तो तत्काल मारा गया, एक पलट के जवाब हो गया, ये समझ ये मैसेज हो गया कि तुम्हारी ये गीदड़ भक्ति है, ये जो कवर देने की कोशिश कर रहे हो ये काम का नहीं आएगा, भारत के दुश्मन भारत माता के दुश्मन इसी तरह मौत के नींद सुलाए जाते रहेंगे। और कोई अज्ञात वीर, मैं उनको वीर मानता हूं, कि वो अज्ञात वीर गुमनाम वीर वो अभी इनके रोके रुकने वाले नहीं है। उसी तरह से पाकिस्तान में दहशत थी कि इन्होंने बड़ा हाथ पांव जोड़ के कल ही परसों अमेरिका के राजदूत का दौरा कराया था और बड़े दावे उल्टे सीधे उलूल जुलूल हो रहे थे पाकिस्तान की मीडिया में। वो उसका दौरा आया, वो चला गया राजदूत, वो भी तमाशा देखने आया था, तमाशा देख के गया और नतीजा हाफिज सईद का लड़का गायब है। तो ये इसको मैं यही कहूंगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये बदला हुआ भारत है जो कंधे पे हाथ धरने की इजाजत नहीं देता, आंख से आंख मिला के बात करता है। और मैं कई पापों का बदला है ये हाफिज सईद के लड़के वाली ये घटना, और ये सर पाकिस्तान के सर सर, लेकिन भारत ने तब जब कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया है, तो राहुल गांधी और पूरा गैंग उन लोगों ने सबूत मांगा था। अब की बार तो भारत कह ही नहीं रहा कि हमने खालिस्तानियों को मार दिया, हमने हाफिज सईद के लौंडे को निपटा दिया। ना मोदी जी कह रहे हैं, ना अजीत डोभाल कह रहे हैं, लेकिन हम और आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस तो आप ही से सबूत मांग लेगी। तो जरा उसे दिखाना पड़ेगा, पाकिस्तान का ही अखबार की कटिंग दिखानी होगी ना सर। क्योंकि दिग्विजय सिंह तो दिग्विजय सिंह तो अपने चंपू को किसी को फोन करके हमें फोन करवा देंगे कि मनीष ठाकुर ड्यूटी कवर दिखा रहे थे। तो जरा इस्लामाबाद के हवाले से खबर, ये भारत के अखबार की खबर नहीं है, इस्लामाबाद के डेडलाइन से खबर है। डेडलाइन से ये इस्लामाबाद से है जो इस पूरी खबर को पुख्ता कर रहा है। क्या नाम है उसके बेटे का? कमालुद्दीन सईद। कमालुद्दीन सईद वन ऑफ द सन, आप पता नहीं कितने सर, ये तो बहुत सारे सन होंगे, वन ऑफ द सन कह रहा है कि वो लौंडा एक गायब हो गया उसका, और 26 सितंबर से ही गायब है। ये इस्लामाबाद से खबर है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन इस कटिंग को दिखा देना जरूरी ये है कि कांग्रेस और उसके जो खैराती हैं वो कहेंगे कि ये खबर, ये जो है सतीश जी और मनीष ठाकुर जो विश्लेषण कर रहे थे वो फर्जी है। मैंने ये सब छाई हुई है और सोशल मीडिया पे भी आ गई है पूरी तरीके से खबर, तो वो सोच लीजिए कि क्या ये गजब का घटनाक्रम है। और वास्तव में मैं भी नहीं कह रहा कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने करा दिया ये, मैं तो उन अज्ञात वीरों को धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ कि अद्भुत काम कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन मार गया, कनाडा में मारे जा रहे हैं, मतलब ये मनीष जी ये लोग ये नहीं पता कर पा रहे कि मारा किसने। अभी 36 घंटे हो गए, इतना दुलारा प्यारा लाड़ला जिसको दामाद की तरह पाल रहे थे हाफिज सईद, उसका लड़का गायब हो गया और ISI अभी तक ये नहीं पता कर पा कि गायब किसने किया, कहाँ गया तो छोड़िए ले कौन गया ये नहीं मालूम है, सर उसको कोई ये जवाब नहीं। एक व्यूअर याद दिला रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि जब डोभाल कुछ दिन गायब हो जाए तो समझो बहुत करामात। सचमुच अजीत डोभाल जी बहुत दिनों से न खबरें में हैं, न कहीं कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, G20 के बाद से गायब थे वो। नहीं तो आप गौर करिए ना, ये इन्होंने शुरू किया, ये चाहे ये सनसनीबाज हो चाहे वो बलात्कारी पाणे का भाई हो, अब ये अपने उसमें अब ये टारगेट डोवाल को करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये जो है मोदी के बाद अगर सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं तो डोवाल को कर रहे हैं, तो अब आप समझिए कि क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। तो ये बिल्कुल इसीलिए अपने देते थे, जी ये जी इसीलिए ये करते हैं।
और मनीष जी आप दूसरी खबर भी दिखाई दीजिए जरा वो वीडियो की, एक और पहले बता नहीं दूं नहीं नहीं सर, इस पे थोड़ा सा और थोड़ा सा मुझे लगता है मजा और लीजिए मतलब सर, इतना इतना भी इतनी भी छोटी खबर नहीं कि आप 10 मिनट में टाल देंगे यार। ये भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि है और खालिस्तानी गुंडों के बाद हाफिज सईद का के लौंडे का जाना। कई लोग कह सकते हैं भाई एक आध दर्जन लौंडे होंगे उसके, एक आध चला गया तो क्या हो गया, लेकिन बाप के लिए तो बेटा है वो। इतना बड़ा आतंकी जिसको कश्मीर चाहिए था कि लड़ के भी आया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और यहाँ पर जो उनके खैराती हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी थोड़ा सा ये भी बताइए। और इन खालिस्तानियों के बाद ये तो क्या पाकिस्तान भी कहेगा टूडो की तरह कि हमें घर में घुस घुस के कूट रहा है भारत? नहीं वो तो कह ही रहा है, वो तो कह ही रहा है चूडो तो कह ही रहा है, यही तो रोग आ रहा है। यहाँ पहले 2 दिन इसी गम में बेहोश पड़ा रहा कि कोकीन पी के, उसके बाद जब होश आया तो लौटा है, तो अब तो उसको तो समझ में आ रहा कि हो क्या रहा, उसको तो झटका लगा है। मनीष जी जो वो खबर जरूर दिखा दीजिए कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उन्होंने घेराबंदी कर दी है, वहां पे केवल केवल हिंदू नहीं, उन्होंने कोई भी नॉन सिख यानी कनाडा के नागरिकों को भी प्रवेश प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी, कहा ये इलाका खालिस्तान है। तो जो ट्रूडो पंजाब में खालिस्तान बनवा रहा था उसकी खोपड़ी खालिस्तान बन गया, तो ये उसको एक ये उसके सर पे एक धमाका किया है, तो बहुत ये भी बड़ी खबर है। अब ट्रूडो की समझ में आ रहा होगा और अब वहां बिल्कुल, और इसलिए भी ये दिखाना जरूरी है कि जरा सतीश जी जो याद कर रहे थे थोड़ा सा ये भी देखिए कि ये दोनों मिल करके ये खालिस्तान के टू कश्मीर प्लस खालिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे। तो मतलब जब ये पाकिस्तान को लगा, ये साफ लग रहा है कि कनाडा में पाकिस्तान भारत विरोधी एजेंडा चला रहा था, और निश्चित रूप से है कि यदि खालिस्तान इनको चाहिए तो पंजाब का तो मुख्य हिस्सा चला गया सर पाकिस्तान में, पंजाब की राजधानी चली गई पाकिस्तान में, तो ये गुंडे जो हैं ये खालिस्तान पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं मांगते, ये कनाडा में क्यों नहीं मांगते जो ये एजेंडा चला रहे हैं? तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो एजेंडा चला रहे थे K2 वाले, ये देखिए पाकिस्तान का झंडा और खालिस्तान का झंडा, तो इसीलिए हाफिज सईद का लौंडा गायब होने का ये भी एक वजह आपको लग रही है क्या? हाँ मनी जी, खालिस्तान कुछ है नहीं, खालिस्तान तो यही पूरा गैंग है, ISI पाकिस्तान हाफिज सईद यही गुंडे, इनमें से तो उस समय पकड़े गए थे जिस समय चरम पे था यहाँ खालिस्तान का आतंकवाद, उसमें कई ऐसे पकड़े गए थे जो दाढ़ी बढ़ा के पगड़ी बढ़ाए थे, लेकिन वो जिंदा पकड़ में आ गए तो पता चला वो मुस्लिम है, केवल भेष बना के आए थे। भिंडरा वाले के साथ जो स्वर्ण मंदिर में घुसे बैठे थे उसमें कई ISI के एजेंट थे, मुस्लिम थे, वो पगड़ी बांध के आ गए थे। तो ये तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ ये पाकिस्तान द्वारा रचित एक नाटक है जिसके ये प्लेयर हैं, ये पन्नू फन्नू ये सब पैसा पा के काम कर रहे हैं, काम तो ये ISI के लिए ही कर रहे हैं। मैंने ट्रूडो के लिए कहा था कि उसको भी उसका भी पूरा वो ISI के इशारे पर नाच रहा है, उसका पैसा ज्यादा, उसको वोटों की चिंता वहां कनाडा के मुस्लिम वोटों की। ये बनी जी ये खबर है ब्रैम्पटन की, ये खबर है ये दिखा दीजिए तो मैं पढ़ भी दूंगा। ये ये चुनिंदा कुछ 25-30 हैं, ये खालिस्तान इनको चाहिए कनाडा में, तो मिल गया इनको कनाडा में खालिस्तान सर। हाँ नहीं, सिख ग्रुप डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंट खालिस्तान इन ब्रैम्पटन, सेज नो नॉन सिख पीपल अलाउड, ए सिख एक्टिविस्ट ग्रुप इज ब्लॉकेडिंग ए पोर्शन ऑफ ब्रैम्पटन रीनेमिंग इट एज खालिस्तान, दे आर ऑल्सो अर्जिंग नॉन सिख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग अदर इंडियंस टू स्टीयर क्लियर और बी मेट विद डेडली फोर्स। ये सीधे सीधे चेतावनी देके उन्होंने वहां झंडा गाड़ दिया, एक तरह से खालिस्तान बनाने की शुरुआत उन्होंने कनाडा से ही कर दी, यानी जो जो सांप पाल रहा था ट्रूडो उन सांपों ने कनाडा को डसना शुरू कर दिया है। अब उसको अब आएगा खेल का मजा, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, यहाँ पे तो मैंने कहा भारत के तेवर इस समय वो ही है कि वो जगरनाट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो सामने आएगा वो रौंद दिया जाएगा, चाहे वो निज्जर हो चाहे फिर वो सईद का लौंडा हो। तो ये मगर अब ट्रूडो के लिए जवाब देना अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो मुश्किल हो जाएगा, रात की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि कनाडा वासी जो कनाडा के रहने वाले हैं वो पूछेंगे इससे ये तुमने कौन सी बला ला के पाल दी यहाँ पे कि एक देश के अंदर दूसरा देश, तो ये जवाब बहुत मुश्किल होगा। तो ये जवाब जो लोग कहते हैं ना कि भारत की विदेश नीति भारत की कूटनीति मोदी को कुछ नहीं आता मोदी अनपढ़ है एक वो दिल्ली वाला गंवार बताता है, तो उन लोगों के मुंह पर ये सब तमाचे मतलब एक तमाचा नहीं
तमाचों की बरसात है ये सब घटनाक्रम। मतलब ये खालिस्तान चाह रहे थे यहाँ, मतलब उन्हीं की जमीन पे खालिस्तान हो गया। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि ये लड़के लेंगे लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उस हाफिज सईद के लौंडे का गायब होना, खुद तो जेल में है और ये भारत के दबाव में जेल में है, यह भी जान लीजिए कि भले ही वो यासी कर रहा हो जेल में, भले ही वो जेल में यासी कर रहा हो, यासी तो जेल में सर यहाँ सत्येंद्र जैन जैसे लोग भी कर रहे होते हैं, लालू यादव भी कर रहे होते, तो पॉलिटिकली तो, लेकिन है जेल तो जेल होता है, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो कोई और भी हो, जेल जेल है। नहीं नहीं मनीष जी, मिली भगत समझ लीजिए कि 2008 की ये घटना थी बंबई हमला, और वो तो उससे पहले से करतूते सब कर रहा था, लेकिन 2008 से 2016-17 तक हाफिज सईद खुला घूमता था, उसके ऊपर कोई कोई मदद कोई, यहाँ 6 साल तक कांग्रेस की सरकार सोती रही, यहाँ सोती क्या रही, यहाँ ओसामा जी और हाफिज सईद साहब, ये सिंधे और दिग्विजय इस तरह से आरती उतार रहे थे कि हाफिज सईद साहब बता रहे थे, तो कुछ हो रही नहीं था। ये तो ये जो मनीष जी कह रहे हैं वो सत्य है कि जब यहाँ पे मोदी सरकार आई, उसने लठ चलाना शुरू किया, इंटरनेशनल प्रेशर बनवाना शुरू किया, जो FATF की खबरें हर 6 महीने बाद आ रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में आ सकता है, ये कुछ नहीं था, सिर्फ मोदी का कमाल था ये। और उसके नतीजे में पाकिस्तान को लगा कि अभी तो 300 रुपए आटा किलो खा रहा है, बाद में गए 3000 रुपए किलो में खाना पड़े, इसलिए उसको 33 साल की सजा सुना के जेल में रखा अंदर। तो ये और कुछ लोग लिख रहे हैं तो जो लौंडा जो उसका है, मतलब चूंकि लौंडा शब्द का प्रयोग आप ज्यादा करते हैं तो इसलिए मुझे लगा आप ही की बात है, बात की जाए। ये जो लौंडा उसका गायब है, उसके लिए लोग लिख रहे हैं कि ये सामान्य लौंडा नहीं है उसका, यदि 8-10 होगा तो, यही इसका पूरा आर्थिक कारोबार संभालता था, यही इसका वित्त मंत्री था, तो भारत के खैरातियों का क्या होगा सर, अब माल कहां से आएगा? नहीं, भारत के खैराती इस समय चिंता में ये है कि ये दोष किसको किस पे डाले, ये दोष किस पे डाले, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो कुछ था, तो हाफिज सईद तो समझिए एक तरह समानांतर सरकार चला रहा था, ISI उसके गुलाम थी, ISI बनाए उसको, तो उसको दामाद बनाए हुए थी, तो ये बेचारे अब दोष किस पे डाले, क्योंकि ये इनके लिए बड़ा संकट है, कोई कहानी गढ़ने में जुटे होंगे कि आका के ऊपर संकट आ गया है, आका आफत का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वो जो दिग्विजय सिंह हाफिज सईद साहब कह रहा था, ओसामा जी कहता था, ये बलात्कारी पाणे, ये सनसनीबाज, ये सब कुछ रचना करके लाएंगे मनीष जी एक दो दिन में, कोई झूठी झूठी सच्ची कहानी अपने आंसू पोंछने के लिए और वहां के आंसू पोंछने के लिए कुछ गड़ेंगे, ये गड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी अभी तो इनके समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। सर मुझे बार बार बचपन के वो दौर याद आते हैं जब पाकिस्तान भारत से क्रिकेट मैच जीत जाता था, तो मेरे कई साथी ऐसे थे, मैंने उसे कूदते फांदते देखा है, और ये कोई ऐसी नहीं कि किस्सा गोई है, कई जगह पे पटाखे फूटते थे, वो दौर था, और 80 मुझे लगता है 90 के दशक तक तो खूब चलता था पाकिस्तान की जीत में, आज भी कई जगह आपको दिख जाता है कि वो झंडे दिख रहे हैं, आइडियल मानते थे। और चूंकि ऐसा है कि जैसे कि भारत का पूर्वी हिस्सा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, शारीरिक दृष्टि से जो बनावट है, चाहे आप और चले जाइए पूर्वोत्तर में तो कदकाठी छोटा होता है, और इधर यदि चले जाइए पंजाब, फिर उधर उनका जो पख्तूनिस्तान है, फिर आप अफगानिस्तान है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, ये प्राकृतिक बनावट के कारण है, लेकिन इन्हें ये ऐसा पेश करते थे कि हम इस्लामवादी हैं इसीलिए हम ये जीत जाते हैं, हम इसीलिए ताकतवर हैं, हम इसीलिए परमाणु बम बना लेते हैं, मतलब भारत से ज्यादा, और हमने इसीलिए हमने शासन किया तुम्हारे ऊपर 700 साल। अब वो तो भीख मांगने को आतुर है सर, आप हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर बाहर जा रहे हैं, और भिखारी नहीं ये पॉकेट मार भी है। तो ये यहां से तो जाएंगे, उनका भी नाम चेहरा शक्ल तो बराबर होगा, तो यहाँ वाले भी तो सर पॉकेटमारी में फंस सकते हैं। आप ट्रेन में सफर कीजिए तो कई बार आप सेकंड एसी ये सोच के आराम की तरह सुकून से अच्छे से जाऊंगा, पता चला कि 4 आदमी आपके उस बोगी में घुस गया सऊदी अरब से आया हुआ, लीजिए नरक हो गई आपकी, इससे अच्छा सोचेंगे अच्छा कल सस्ता में स्लीपर में ही चले जाते। आप सेकंड एसी में जाइए, पता चला कि आ गए 4 लोग आ गए उठा उठा के सऊदी अरब से माल लेकर के, तो ये सब भी तो अब वहां जाएंगे तो कहीं पाकिस्तानी समझ करके, पॉकेटमार समझ करके कुटाई ना करते, तो इन लोगों को भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को बाप तो यही लोग बनाते हैं। नहीं नहीं मनीष जी, अभी अभी 15-20 दिन पहले वो वीडियो आया था, वायरल हुआ, पूरी दुनिया में वायरल हुआ, कि पाकिस्तान की एयरलाइंस में भिखारी जहाज के अंदर घुस के भीख मांग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि ये तो मैं डालना भूल गया, उसको दर्शकों ने देखा होगा, खूब चला वो व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे,
कि वो बकायदा कब कैसे घुस गया वहां के स्टाफ की समझ ही नहीं आया। टिकट कहाँ चलाया होगा दरबाराई साहब? नहीं टिकट कहाँ आया, वो तो वैसे ही घुस गया था बिना उसके ही। और वो तो वो कि ये पूरा पूरी दुनिया के लिए मतलब वो था ना, कि क्या सिक्योरिटी है, कि मतलब जहाज के अंदर जैसे रेलगाड़ी भिखारी भीख मांगते वैसे वो जहाज में मांग रहा था। तो ये तो हालत है। दूसरा मनीष जी, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये याद करिए कि ये खबर उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जिनके बाप दादाओं ने पाकिस्तान मांगा था कि ये हिंदुस्तान की जमीन नापाक है, हम अपनी लेके पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने वो टुकड़ा लिया, उस पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाया और वहां ऐसा ईमान पैदा किया, इसकी गवाही सऊदी अरब और यूएई दे रहे, यूनाइटेड अरब अमीरात। उस उर्दू में था तो बहुत से लोग नहीं समझ पाए होंगे, शायद सुन पाए हो तो बता दूं कि वो बता क्या रहा था कि वहां की सरकारों ने कहा है, खासकर सऊदी अरब की, कि आपके यहां से जहाजों उसको हंसी आ रही कि आप यहाँ जहाजों में भर भर के पूरे पूरे जहाज पूरे पूरे जहाज भिखारियों से भर के आ रहे भगवान। और उसके आगे का जो पोर्शन था मनीष जी, उसमें वो ये बता रहा कि हमारे यहाँ की जेलें भर गई पाकिस्तानी पाकिस्तानी भिखारियों और गिरे कटों से। क्या तो जिन बाप दादा ने पाक जमीन पे पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान ने ये पहुंचा है 77 साल में कि जेलें भर गई है सऊदी अरब की, उनके पास जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने चेतावनी दी है पाकिस्तान को। और जो आखिरी पोर्शन था वो थोड़ा हल्का हो गया, तो लोग सुन नहीं पाए होंगे उसमें, वो सबसे महत्वपूर्ण मरीज जी की इनके यहाँ जो सबसे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिन बाप दादो ने पाक पाकिस्तान बनाया था उनकी असलियत जरा सुनिए। वो आखिरी के जो 5 सेकंड है वो बता रहा कि हरम शरीफ जो मक्का मदीना जो लोग जाते हैं वहां सबसे पवित्र स्थान उस हरम को माना जाता है, वो एक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो सऊदी अरब की सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने कहा कि हरम शरीफ में जितने गिरह जेब कतरे पकड़े गए वो 100% पाकिस्तानी थे। उस मतलब जो दुनिया इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पूरी दुनिया में, वहां जितने गिरहकट पकड़े गए जेब कतरे वो सब पाकिस्तानी थे। तो जो 47 साल पहले लड़ के लिया था पाकिस्तान कि हम एक पाक सरजमी पे पाकिस्तान बनाएंगे, वहां कैसा गजब का ईमान और कैसा गजब का पाक पाकिस्तान बना है कि जो इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है वहां पर सिवाय जेब काटने में सिर्फ पाकिस्तान के ही जेब कतरे हैं, जबकि पूरी दुनिया के मुसलमान वहां जाता है लेकिन जेब काटने का काम ये कर रहे हैं। और भिखारियों और जेब कतरों से सऊदी अरब की जेलें भर गई हैं, ये हालत है पाकिस्तान की। और इसका मैं पूरा श्रेय मैं तो मोदी को देता हूं। देखिए सर, अब मेहुल शाह जी चूंकि इनके पापा हैं और बताए हुए कई बार कह रहे हैं कि यूएस में या अमेरिका में रहते हैं, ये कह रहे हैं कि यूएस में कई पाकिस्तानी है खुद को भारतीय कहते हैं, तो ये सब ये तो सजग रहना पड़ेगा हमारे एनआरआई साथी को, ये गिरकट जो है वो पॉकेट मारी कर लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मैं तो भारतीय हूँ, क्योंकि ये करके तो बदनामी करेंगे ये, तो हमारे एनआरआई साथियों को तो बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। नहीं नहीं बोली जी, मेहुल जी जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि ये आप कोई रहस्योद्घाटन नहीं है। मैं पाकिस्तान के कुछ चैनल उनको मैं देखता जरूर हूँ, उसमें पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि भैया हम बाहर जाते हैं तो हम जो है खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तानी बताते हैं हमारे साथ बड़ा जानवरों का व्यवहार वहां की अथॉरिटी और लोग करने लगते हैं। ये तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं, पाकिस्तानी टीवी बैठ के कहते हैं, तो बिल्कुल सच कह रहे हैं मेहुल जी, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है वो, बिल्कुल इसीलिए समझना बहुत जरूरी था। और हम लोगों ने हंस लिया, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे देश का महत्वपूर्ण हिस्सा, जो उपजाऊ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो पाकिस्तान में चला गया। तो सोचिए कि इन जिहादियों इन जाहिलों ने देश के सबसे बेहतरीन कृषि वाले इलाके को कैसे बर्बाद कर दिया। पांचों नदी जो है सिंध से जो निकलती है वो सब के सब वो एरिया पाकिस्तान में, आर्थिक रूप से जो समृद्धि का मामला है हमारे भारत के इतिहास का, वो जो गौरव का जो भूमि है वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिहादियों ने उसे क्या कर दिया। नहीं मनीष जी, खाली केवल खेती की जमीन नहीं, ये जो सीनियर सिटीजन है उनको आइडिया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा। और वैसे भी बता दूं कि केवल खेती की जमीन नहीं, वो जो अविभाजित भारत था उसमें कराची जो है बंबई से बड़ा बिजनेस सेंटर था,
हिंदुस्तान तो वो जो अखंड भारत था उसमें कराची सबसे बड़ा बिजनेस सेंटर था, लाहौर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था, और फिल्म इंडस्ट्री की बात करिए तो लाहौर में बंबई से ज्यादा फिल्में बनती थी। और मैं जब जलंधर में था तो एक बुजुर्ग थे जो अपनी जवानी में आए थे, उन्होंने विभाजन देखा था, तो वो कहते थे, मैं तीसरा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि वो थोड़ी गाली है, कि उस समय एक कहावत मशहूर थी कि लाहौर राजा, अमृतसर वजीर, जलंधर डैश डैश और लुधियाना फकीर। वो कहते थे ये पूरे, तो वो पंजाब बटा नहीं था, कहीं पूरे पंजाब में कहावत थी कि लाहौर राजा, अमृतसर वजीर और जलंधर के लिए गाली थी, उसके बाद लुधियाना फकीर कर, ये स्टेटस था पंजाब का। जो जो तो आप समझिए कि क्रीम ले गए थे वो, इंडस्ट्रियल सेंटर ले गए, कमर्शियल सेंटर ले गए, जमीन तो दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन, और उसके बाद 70 साल बाद जेब काटने और भी मांगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा है। तो ये इन बाप दादों का, और ये उन लोगों का भी समझिए जो हमको समझाया जाता है इतिहास में कि वो मुगल के समय में 34% जीडीपी थी और 38% जीडीपी थी, ये उन्हीं की औलादे हैं, ये उन्हीं की औलादे डकैतों की, जो 70 साल में सब खा पी के बराबर कर दिया, भीख मांगने लगे, जेब काटने लगे। तो सोच लीजिए इनके जो डकैत थे, इनके वो बाप दादे जो आए थे 700-800 साल, तो वो जब तक हिंदुस्तान को लूटते रहे तब तक वो खाते पीते रहे। बाकी मैं तो बार बार कहता हूं कि ना तो एको आज उन्होंने कोई स्कूल बनवाया कि शिक्षा ज्ञान का कोई सेंटर, 800 साल में नहीं बनवाया मनी जी, 800 साल में उन्होंने जो कुछ बनाया अपने अय्यासियों के अड्डे बनाए कि यहाँ पर रंडियां रहेंगी, यहाँ पर रखेले रहेंगी, यहाँ पे हिजड़े रहेंगे। इसी तरह आप अगर चले जाइए दिल्ली चले जाइए, लाल किला या आगरे में लाल किला, ये दोनों जगह मैंने घूमी है, तो वहां गाइड बताता कि यहाँ पर रानी रहती थी, यहाँ पर छोटी रानियां रहती थी, यहाँ पे जो है हरम था राजा का। तो हरम मतलब वेश्याले समझ लीजिए, रंडी खाना कह लीजिए। तो ये सिर्फ यही बनवाने में लगे 800 साल केवल यही कर्म करते रहे। एक भी आपको 1000 ईस्वी के बाद आपको हिंदुस्तान में एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं मिलेगी कि यहाँ पे विद्यालय था, यहाँ विश्वविद्यालय था, या यहाँ पे बच्चे पढ़ते थे। ना इनका लिखने पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रहा। और ये जो 70 साल का ये भीख मांगना जेब काटना है, ये बता रहा है कि 800 साल किस तरह से इन्होंने लूटा। हम सोने की चिड़िया भारत था तो इनका 800 साल तक काम चलता रहा। और जैसे अंग्रेज आए तो मनीष जी केवल एक तबके के लिए, वो तो सबके लिए आए थे। उन्हीं अंग्रेजों के शासन में हम भी तो रहे। आज हिंदुस्तान 250 साल की गुलामी के बाद 70 साल में चांद पे कदम रख रहा है, और जो नापाक से पाक बनाने गए थे वो जेब काट रहे हैं। ये मक्का मदीना, और इसीलिए कुछ लोग याद दिला रहे हैं, हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, अभी नवरात्र आ रहा है, हिंगलाज माँ तुम्हें भवानी, जिस तरह से माता कामाख्या है, इतने जो माता के जो अंग अलग अलग हिस्से में गिरे थे, हिंगलाज माँ तुम्हें भवानी, वो हिंगलाज वही है क्या, मतलब जो कहते ना हमारी जो पीठ है वो एक वहां है। इतना ही नहीं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पूरी संस्कृति कहाँ है जिस पर हम गौरव करते हैं, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता है, तबाह कर दिया सब कुछ। तो हमारा पूरा गौरव हमारी है, बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ कृषि की भूमि नहीं, सिर्फ हिंगलाज माता की वो पीठ नहीं, हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत जो गौरव का था सब पा करके बर्बाद कर दिया इन्हें। और इनके जो वामपंथी इतिहासकार हैं, अच्छी याद दिलाई आपने, इन लोगों ने ऐसा कहा कि साहित्य दिया, मुगलों ने ये दिया, मुगलों ने ये दिया, मुगलों ने क्या दिया ये देश देख रहा है, और उनके जिनके बाप दादा मुगल थे वो दिखा रहे हैं कि जब उनकी सत्ता आई तो हम उस पाकिस्तान की भूमि को जो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा था कैसे तबाह कर दिया। नहीं मनीष जी, आज की कुछ चर्चा चल गई तो एक चीज और स्पष्ट कर दूं बिल्कुल सबूतों के साथ, क्योंकि ये जो स्थिति है कि एक बड़ा रोना जो हिंदुस्तान में रोया जाता है कि साहब मुसलमानों को बड़ा पिछड़ा रख के किया गया और पिछड़ा कर दिया, और दुनिया में भारत में सबसे बुरी स्थिति है मुसलमानों की। राहुल गांधी भी रोता है, कांग्रेसी भी रोते हैं, सेकुलर रोते हैं, कम्युनिस्ट रोते हैं, और मुसलमानों के तो लीडर सारे रोते हैं कि साहब को एक साजिश के तहत इनको पिछड़ा रखा गया और इसीलिए आज बड़ी बुरी हालत है। अरे जरा हमको जवाब दो कि एक किस साजिश के तहत पाकिस्तान में किसने पिछड़ा रखा था, वहां कौन दबाई दे रहा था तुमको, वहां तो पूरी खुश आजादी थी, पूरी स्वतंत्रता थी अपने अपने मन से सब कुछ करने की, वहां को इसने पिछड़ा था, काहे भीख मांगने लगे, काहे जेब काटने लगे मक्का मदीना में जाके। तो ये जो पाकिस्तान की हालत है वो हिंदुस्तान में 70 साल से बोले जा रहे झूठ की
धज्जियां उड़ा देती है कि यहां पर साजिश के तहत उनको दबा के रखा गया पिछला। अरे वहां तो कुछ कमाल करके दिखाते कि चलो यहाँ, तब समझ में आता कि हाँ साहब यहाँ दबा के रखा गया। 47 तक तो अंग्रेज जितना अत्याचार उन पे करते थे उतने हम पे करते थे, किसी पे भी करते थे। 47 के बाद सब आजाद है, तो वैसे वो भी आजाद थे। तो 77 साल बाद उनकी हालत क्या है, ये पाकिस्तान का टेलीविजन बता रहा हूँ, सवाला नहीं, जियो टीवी वहां का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, वहां पे ये खबर आ रही है और सऊदी अरब और यूएई की सरकार के हवाले से आ रही है। तो सोच लीजिए ये फर्क है, बाप दादों का ही फर्क है, क्योंकि हम डकैतों लुटेरे, हमारे बाप दादे डकैत लुटेरे नहीं थे, हमारे बाप दादे थे आर्यभट्ट विष्णुगुप्त, वो जो एक हजारों साल के भगवान राम जिससे जो चली आ रही परंपरा तुलसीदास, तो वो थे। और तुम डकैतों लुटेरों हत्यारों को तुम अपना बाप दादा मानते हो, तो उनके परिणाम यही होने हैं जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। मानते हो मतलब बाप दादा उनके नहीं है वो भी, क्योंकि यहाँ तो सबके सब कन्वर्टेड हैं, लेकिन वो मानते हैं। इसीलिए सतीश जी ने कहा तुम यदि मानते हो अभी भी कम से कम भारत की सांस्कृतिक विरासत से समझे, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया यहाँ कहते हैं पिछड़े रह गए, तो तुमने तो सबसे बेहतरीन हिस्सा ले लिया भारत का, भारत की सबसे बेहतरीन उपजाऊ भूमि, भारत की सांस्कृतिक गौरव की भूमि, भारत का पूरा अर्थतंत्र। और सही बात है, जितने भी हमारे बॉलीवुड के महानायक हुए 50-60 के दशक के, वो सबके सब उसी लाहौर से तो आए थे सर। देवराज कपूर हो, देवानंद हो, मतलब पूरा कपूर परिवार जो है उस दौर के सब तो वहीं के हैं। तो ये समझ में आता है कि कैसे बर्बाद किया गया उस जगह को। तो ये आप सबसे आग्रह करेंगे इसे अलग अलग हिस्से में इसे साझा कीजिए, बात जो परसेप्शन के खिलाफ जो षड्यंत्र है ना, उस षड्यंत्र को दूर किया जा सके। और शैलेंद्र जी कल के इशू को उठा कह रहे कि मिश्रा भैया आज दूरदर्शन पर एक अच्छी न्यूज थी कि जो श्रीलंका एक वर्ष पूर्व दिवालियापन होने वाला था, आज भारत की मदद की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। तो समझ लीजिए कि कल हम लोग परसों कर चुकी हुई है, अच्छी बात है कि दूरदर्शन ने भी फॉलो अप किया है। और इसका मूल कारण समझ लीजिए कि क्यों एक साल की मदद से वो सुधार करने लगा, वो ठीक ठाक सुधर भी जाएगा, वो उसकी वजह है क्योंकि वो डकैतों लुटेरों को अपना बाप दादा नहीं मानता। वो आज भी रावण और सीता के लोगों को स्थानों के जहां पे अशोक वाटिका थी, रावण की लंका थी, उसको बड़े सम्मान के साथ संरक्षित रखे, भगवान बुद्ध की यादों को बड़े सम्मान, बुद्धिज्म तो खैर वो मानते ही एक तरह समझ लीजिए, लेकिन वो डकैतों लुटेरों से अपने संबंध नहीं जोड़ते। जो आदमी अपने अपने बाप दादा डकैत और लुटेरे हत्यारे बलात्कारियों को मानेगा, उसका वही असर होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। बिल्कुल सर, इसीलिए बताना बहुत जरूरी था। सर मोदी सरकार, निश्चित रूप से हम लोगों ने इस तरह की बातें करी कि किस तरह से कायाकल्प हो रहा है, लेकिन हर चीज हम लोग कहते हैं हर चीज प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं देखी, एक भी देख भी नहीं सकता है। और कई बार तो यह भी कहा जाता है कि लेकिन ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये कुछ लोग जो 2012-13 के बाद जब उनने समझा कि 2012 में जब गुजरात में नरेंद्र मोदी जीत करके आए, तो ये पूरा परसेप्शन बन गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो यही आदमी होगा। तो बहुत सारे कालनेमी एकाएक बदले, कुछ पत्रकार थे किताब लिख लिख करके, कुछ यूट्यूबर्स बने, कुछ बॉलीवुड के खिलंदर थे जिनने सबने रंग बदले। ये बहुत सारे हम लोग सब जानते हैं कि एक जिहादी जावेद किस तरह का खेल खेल रहा था। हम ये सब ये जानते हैं कि महेश भट्ट ने दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर के, हमारे सहारा उर्दू अखबार का एक संपादक हुआ करता था, मैंने कई बार कहा, मैंने पत्रकारिता के काला अध्याय में भी उसका जिक्र किया है, अजीज बरनी को इस्तेमाल किया गया जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उसे हिंदू आतंकवाद करने, उस महेश भट्ट की बेटी को नेशनल अवार्ड दिलवा देना, क्या कंगना रनावत के बदले में एक पूर्ति है जो एक नहीं है ना कि एक सिस्टम कर इसको दिया, अरे हमने अटल जी को दे दिया भारत रत्न, तो प्रणब मुखर्जी को भी देना बहुत जरूरी है, तो इसे दे दिया, तो ये वो नहीं सोचते थे। ये जो कंगना रनावत को दे दिया, तो महेश भट्ट जैसे जिहादी के बेटी को भी दे देना चाहिए जिसने पूरी जहर ही उगला। सर ऐसे ऐसे कालनेमी नहीं है। आजकल एक नया अवतरण हुआ है, हमने भी उस फिल्म की बड़ी तारीफ की, कश्मीर फाइल्स की अच्छी बनाई, एक और फिल्म बनाई है, नाम उसका विवेक अग्निहोत्री है। सर मैं देख रहा था कई वेबसाइट पे, विवेक अग्निहोत्री ने
जावेद अख्तर की जबरदस्त चापलूसी की है, जिस जावेद अख्तर के थूक के साथ हर शब्द में भारत के खिलाफ जहर और षड्यंत्र ही निकलता है। वैसे वो राज्यसभा का था, बड़ा शातिर है, गोल गोल बातें भी करता है, लेकिन उसे भी डर लगता था आमिर खान की तरह। ये नव राष्ट्रवादी जो हैं, उसका जरा अतीत भी बताइएगा तो क्या सरकार और सिस्टम में पहचानने वाला नहीं। कल तो आपने इनके आईटी सेल के सुप्रीमो का खेल दिखा दिया कि किस तरह से, मुझे कई व्यूअर्स पूछ रहे थे कि ये मालवीय जो है वो 2010 से पहले क्या कर रहा था। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ही देखेंगे उन्हीं के नाम पर, या फिर ये खेल क्या हो रहा है कि ये कालनेमियों की पहचान नहीं हो रही है। फिर आज तो नरेंद्र मोदी हैं, कल उनकी उम्र की ढलान होगी, फिर इस देश का क्या होगा यदि ये कालनेमी 12 के बाद एकाएक नकाब उतारने वाले जो लोग खिलंदर हैं उस सिस्टम में जो घुस रहे हैं राष्ट्रवादी आवरण उठ करके। मनीष जी खबर दिखा दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आ कि हम लोग कह क्यों रहे हैं। ट्वीट भी मेरा पढ़ दीजिएगा तो बात और समझ में आ जाएगी, फिर मैं बताता हूँ क्या है खेल। ये तो अमित मालवीय वाला है, एक बार फिर से लोग देख लें इस ट्वीट को कि सुप्रिया सिरनेत ने किया था कि 2010 से तक ये आदमी क्या एजेंडा चलाता, और ये आदमी आईटी सेल का सुप्रीमो है तो क्या कर रहा होगा ये बेहतर समझ में आ सकता है। बड़ा करके दिखा दीजिए। हाँ ये है क्या? हाँ वही था, वही था। हाँ ये जो रेड वाला जो है जी, व्यूअर्स देख लेंगे खुद, अमर उजाला हिंदी का एक बड़ा अखबार और करीब करीब सभी वेबसाइट पे खबर है। विवेक अग्निहोत्री अचानक बदल गए विवेक अग्निहोत्री के सुर, जावेद अख्तर की तारीफों में क्यों बांधने लगे पुल, क्यों सर? हाँ मनीष जी पहले बता दूं कि इसने कहा क्या है। हाल ही में मीडिया बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने शुद्ध हिंदी गाने में लिखने के लिए जावेद अख्तर की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने स्टारर फिल्म लगान के लिए अख्तर ने शुद्ध हिंदी गाने लिखे, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में थे। उन्होंने कहा कि मधुबन में राधा में भी एक भी शब्द उर्दू का नहीं थे, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं या भारतीय जड़ों से जुड़े हुए हैं। और उसके आगे जो बात है मनीष जी की, जावेद अख्तर के बारे में बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने आगे कहा, वह भले ही एक कम्युनिस्ट हो, दक्षिण पंथ के खिलाफ लड़ते हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बातचीत के दौरान विवेक अग्निहोत्री ने उन फिल्मी किरदारों की भी खूब तारीफ की जो जावेद अख्तर ने 80-90 के दशक में गढ़े। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जावेद अख्तर का हीरो या तो एक मजदूर का या एक शिक्षक का बेटा होता था जो किसी डकैत मिल मालिक जमींदार के खिलाफ लड़ता था, एक आइडियल एंग्री यंग मैन जावेद अख्तर ने भारतीय सोसाइटी को दिया। और ये मनीष जी बता दूं कि ये एक साल पहले का है, लेकिन आज इस खबर को दोबारा पूरा प्रकाशित किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। जरा वो भी दिखा दीजिए मनीष जी, वो भी खबर मैंने डाली है कि ये आज हम लोग जिक्र क्यों कर रहे हैं कि आज इसने फिर जावेद अख्तर की भरपूर तारीफ की। क्यों यहाँ नहीं, ये नहीं मनीष, यही तो बाद में है, ये दिखा दीजिए ये खबर कि ये आदमी आज इसने फिर तारीफ की इंडियन एक्सप्रेस में छपी। तो ये पुराना, इसका पुराना बयान भी साथ में ही छपा कि इसको केवल जावेद अख्तर ने जानने की 25 सितंबर 2023 के डेडलाइन से है। हाँ कि विवेक अग्निहोत्री रिवील जावेद अख्तर सेंटी में मैसेज आफ्टर सीइंग द टीम प्रमोट द वैक्सीन वॉर एट टाइम्स स्क्वायर ओनली जीनियस लाइक यू। ये जावेद अख्तर ने इसकी तारीफ कर दी, तो ये आज फिर बिछा उसके जावेद अख्तर के पैरों पर। अब मनीष जी जरा ट्वीट दिखा दीजिए 2010 का, मैं बता दूं कि ये क्यों कालनेमी है ये लोग, उसके बाद बताता हूं कि इनकी हरकतें क्या। ये इसने तारीख बता दीजिए 24 जुलाई 2010 को ये आदमी ट्वीट कर रहा था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, शाह वर्सेस टाइटलर, मास मर्डरर्स एवरीवेयर। यानी ये वो दौर था जब अमित शाह जेल में बंद थे, तड़ी पार किए जा रहे थे, तब ये आदमी गाने गा रहा था कि ये शाह और टाइटलर को एक कटघरे में खड़ा कर रहा था, ये गुजरात दंगों का मास मर्डरर ये बता रहा था अमित शाह को। तो ये उस समय को कक्षा 4 में पढ़ता था कि घुटनों के बल चलता था, या इसको ये अखबार नहीं पढ़ता था, इसको कोई एनालिसिस की तमीज नहीं थी। लेकिन तब क्योंकि 2009 में पलट के मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, तो मजीरा उसका बजाना था। और इसके दर्शकों को बता दूं कि अकेला ट्वीट नहीं है, ऐसे कम से कम एक दर्जन ट्वीट रखे हैं मेरे पास, एक दर्जन से ज्यादा। वो इतने दिखाने कोई मतलब नहीं था। ये मैंने कहा एक बता दूं आपको, ये 2010
उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, केंचुल बदलती है, फिर नक्सली बुरे लगने लगते हैं, फिर फलाना होने लगता है, और बिल्ली के बाद से चीका टूटा हुआ एक ऐसा विषय था, उस पर फिल्म बन गई कश्मीर फाइल। तो अकूत धन भी कमाया, लेकिन मनीष जी जरा आप समझिए मामला नाजुक कहां पे सर, है। इसके शिकार हम जैसे लोग भी हुए। मैंने अपने जो भी मेरी छोटी मोटी आय थी उससे मैंने अपने होम सिटी में एक शो पूरा बुक किया वहां के स्टूडेंट के लिए कि ताकि कश्मीर फिल्म लोग फाइल्स लोग देखें। सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार किया और इसका माल जो है ऐसे ऐसे कालनी भी लूट के ले गए। कालनियों की पहचान बहुत जरूरी है। वो मनीष जी जिस समय पिक्चर रिलीज हुई थी तो आपने उस समय भी बताया था, आपने उस समय भी कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था कि मैंने मुजफ्फरपुर में इस तरह से किया। तो ये इस तरह की भावनाओं से खेल के, लेकिन अब ये फिर केचुल बदल के जावेद अख्तर के क्यों तेल पानी करने लगा, उसकी वजह समझिए कि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है और ये वो कालनेमी है, इनको राजनीति की तमीज नहीं है, इनको जिसकी जो सरकार हो उसकी खंजड़ी बजाओ। तो इनको लग रहा कि अगर कहीं सरकार ना आई तो सेटिंग सेटिंग के लिए दाना अभी से डालना शुरू, ताकि 2024 में अगर इनके हिसाब से सरकार ना आए तो इनको केंचुल बदलने में कोई देर ना लगे। ये वो तबका है मनीष जी जिसकी मैं जिक्र करता हूं कि ये छद्म राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद की नकाब पहन के पहले यहां पैसा कमाओ और जैसे ही मौका छूटा। मैं बार बार दर्शक जरा गंभीरता समझो, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि मोदी हटे और काम खत्म, क्योंकि इस तरह के लोग फल फूल रहे हैं, मलाई काट रहे हैं और इनको कोई लेना देना ना विचारधारा से है, ना भाजपा से है, ना देश ना राष्ट्र। ये 2010 में अमित शाह को गाली बक रहे थे और 2024 में हालांकि होगा नहीं, लेकिन अगर इनके हिसाब से सरकार चली जाए तो ये 2025 में मोदी को गाली बकेंगे कि सब नाश कर गया। ये वो लोग हैं, ये आपकी भावनाओं के साथ माल कमाते हैं, माल किस तरह से बेचा जाए। और मनीष जी जरा मैंने ट्वीट के लिए ऊपर जो लिखा है अपना कमेंट वो पढ़ दीजिए, फिर इस पे बात होती है। जो मैंने अपना कमेंट लिखा है उसके बाद दर्शक समझ जाएगा मैं कह क्या हो रहा हूँ। आप खुद पढ़ दीजिए इसको। हाँ एक मिनट, अच्छा है। हाँ एक सही कह रहे हैं, ये मैंने लिखा कि मंदिर प्रसाद से घृणा करने वाला हिंदू नायक इस्लामी बिल्ले 786 के लिए पागल रहता है। मुस्लिम गुंडों माफिया की भरमार वाली मुंबई की दो दर्जन क्राइम स्टोरी का एक भी खलनायक मुस्लिम नहीं था। फिल्म जिहाद चलाने वाली ये कहानियां गढ़ने वाले जावेद अख्तर की चमचागिरी क्यों कर रहा है विवेक नौकरी? ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, इसे दोबारा सर पढ़िए, इसे दोबारा पढ़िए सर, ताकि लोगों को समझ में आए कि किस जावेद अख्तर की चापलूसी ये विनोद विवेक अग्निहोत्री कर रहा है, क्यों कर रहा। अब बता दूं, मैं दीवार पिक्चर की बात कर रहा हूं कि मंदिर प्रसाद से घृणा करने वाला हिंदू नायक इस्लामी बिल्ले 786 के लिए पागल हो जाता है। मुस्लिम गुंडों माफियाओं की भरमार वाली मुंबई से संबंधित दो दर्जन क्राइम स्टोरी का एक भी क्राइम खलनायक मुसलमान नहीं था। फिल्म जिहाद चलाने वाली ये कहानियां गढ़ने वाले जावेद अख्तर की चमचागिरी क्यों कर रहा है विवेक अग्निहोत्री? ये सब क्यों कर रहा है, ये भी समझा दीजिए, ये क्यों कर रहा होगा? कुछ तो मैंने बताया ना मनीष जी, ये राजनीतिक अनपढ़ लोग हैं, ये अवसरवादी, सिर्फ माल कमाना, बंबई का जो कल्चर है वो करने वाले लोग हैं। ये हुड़दंग में इसको कहीं लगा कि शायद 2024 में मोदी ना आया तो इन्होंने एक डोरे डालने शुरू किए, ताकि 2024 में अगर इनके हिसाब से अघटित घट जाए तो इनको कोई कष्ट ना हो, जैसे 2014 के बाद 2014 तक ये मोदी और शाह को गाली बक रहे थे, 2014 के बाद कांग्रेस को गाली बकने लगे, तो वैसे ही इनको ये इसी तरह से टर्न अराउंड करते हैं कि 2024 में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए इनके हिसाब से तो इनको कोई परेशानी ना हो। ये सिर्फ इनका इतना स्वार्थ है और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़े मठाधीश जो पूरे जिहाद के 4-5 लोग पूरे फिल्म इंडस्ट्री में चलाते हैं, इसके कितने कुकर हुए हैं जावेद अख्तर के, ये एक नहीं कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो अपने प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और इस आदमी को बंबई में रहते हुए नहीं तमीज है, ये कह रहा है वो कम्युनिस्ट है तो जरा कमेंट में क्या कह रहा है मनीष जी कि वो कम्युनिस्ट है तो होंगे, वो दक्षिण पंथ के विरोधी है तो होंगे, लेकिन वो बड़े महान लेखक है और बड़ा इन्होंने समाज को दिया, इनके इनके कह रहा है कि इनकी फिल्मों के नायकों ने एक नई दिशा दिखाई है। तो ये इस तरह से किस कीमत पर कैसे आंख बंद करके चमचागिरी अपने स्वार्थों के लिए करते हैं, तो बॉलीवुड आज भी अपनी बेईमानी, बेशर्मी और जालसाजी से बाज नहीं आ रहा मनीष जी, ये इसका एक नमूना है। सर एक दो कमेंट्स चुके ऐसे हैं, उनका जवाब इसलिए दे देना जरूरी है कि इस तरह के कमेंट से भ्रम भी फैलता है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि मैं भी 2013 से पहले कांग्रेसी था, अपने लिए लिख रहे हैं वो,
लेकिन आज मैं नफरत करता हूं। बहुत सही कह रहे हैं, इस देश के मैक्सिमम लोग कांग्रेस को वोट करते थे, आज वो बीजेपी को करते हैं, उनके बच्चे, वो इसीलिए प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार है। आप में और इन कालनेमियों में फर्क है, इस बात को समझिए। आपने सिस्टम का दुरुपयोग करके उसका फायदा नहीं उठाया है। बहुत सारे लोग जो वोटर बदले हैं वो ऐसे कालने में अमिताभ बच्चन, विवेक अग्निहोत्री या फिर जो कई खलिहर खैराती जो बदले हैं, इसमें फर्क है। क्या मैं सही कह रहा हूं या फिर आप अपने ढंग से कुछ समझाएंगे? नहीं नहीं जो सज्जन है इनको मैं बता दूं कि आप कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे, आप कांग्रेस को वोट करते रहे होंगे, आप अमित शाह को गाली नहीं देते होंगे, मास मर्डरर नहीं कहते होंगे, इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देते होंगे। और मैं बता दूं कि जो जो कांग्रेस को वोट देने वाले जो अमित शाह या मोदी को मास मर्डरर कहते थे, वो आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं, ये भी समझ लीजिए आप। बाकी ये कोई बड़ा स्पेस साइंस थोड़ी है कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा को विधायक की 40-45 सीटें मिलती थी, वहां अगर 325 सीटें 2017 में मिली, तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने वोट दिया जो पहले किसी और पार्टी को वोट देते थे। लेकिन जो मनीष जी ने कहा कि आप ये ठेका लेते हैं समाज को एक दिशा दिखाने का, ये जैसे क्या कहते हैं कि ओपिनियन मेकर हैं, ये अपने आप को सामान्य आदमी नहीं कहते। और कम से कम जिन जिन सज्जन का सवाल है वो इतना तो करते होंगे ना कि अगर आपने कांग्रेस को वोट के बाद अब आपने भाजपा को वोट देना शुरू कर दिया, तो अब आप दिग्विजय सिंह का मंजीरा नहीं बजाते होंगे, आप अखिलेश यादव को जिंदाबाद नहीं करेंगे। पर जब वोट दिया तब दिया, तब कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब आपका जो बदला, ये तो दोहरी चाल चल रहा है कि इधर इधर मोदी का भी गाओ और उधर जावेद अख्तर की भी बजाओ। ये दोगलापन, ये समझिए कि इससे इनके मन में क्या चल रहा है और इनका अतीत क्या बताता है, ये समझिए। मैं अरे बहुत से राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी जिंदगी कांग्रेस में गुजार के भाजपा में आए, लेकिन भाजपा में आने के बाद वो सोनिया गांधी की जिंदाबाद नहीं लगाता, वो आदमी वो लत्ते उड़ा देता है, वो ये बैलेंस करने की कोशिश नहीं करता कि सोनिया ना नाराज हो जाए और राहुल ना नाराज हो जाए। ये ख्याल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, खुलकर बात करते हैं तो जहां हो उस पक्ष की बात करो। ये आदमी जो जो जिसने फिल्म बॉलीवुड के अंदर सबसे बड़ा फिल्म जिहाद चलाया दीवार से लेके, मैंने कहा कि हम लोग पता नहीं कितने इस पे एपिसोड कर चुके हैं, उसको दोहराना हो जाएगा कि इसने एक तरह से छलनी कर दिया, इसका लौंडा वही करता रहा। वो गोल्ड पिक्चर के साथ किस तरह से इसने महानायकों के साथ उनको हिंदू से मुसलमान बना डाला, तो इस तरह के आदमी की ये अब इस बात की तारीफ की, बड़ा गजब का लेखक है और उसने दिशा दिखाई है समाज को। तो ये जाहिर सी बात है कि साजिश के तहत आंखों में धूल झोंक रहा है ये आदमी, केवल इसका उल्लू सीधा हो जाए बस। मतलब सर ये सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से आया है, क्योंकि आज जो राष्ट्रवाद प्रखर रूप से है, सनातन जिंदाबाद हो रहा है, तो ये आदमी जो कश्मीर फाइल बना करके सनातन रक्षक अपने आप को बन रहा है, वो जावेद अख्तर की तारीफ कैसे कर सकता है जिसने हमेशा सनातन द्रोह का काम किया है? पूरे बॉलीवुड को जिस जावेद अख्तर ने सनातन द्रोह का धंधा का एक टूल्स बना करके रखा, उसकी तारीफ विवेक पीवो अग्निहोत्री कैसे कर सकता है? ना नहीं मनीष जी, और सबसे खास बात, एक सवाल का जवाब विवेक अग्निहोत्री दे दे या जिनका जो सबसे बड़ा समर्थक वकील हो वो दे दे कि ये तो बहुत सकता कि वो कांग्रेसी हो भाजपा के, आप 14 के बाद इधर हो गए। अरे ये बताओ कि 2014 से पहले तुमने कितनी पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे फिल्में बनाई, कितनी फिल्म बनाई पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे? एक भी नहीं है मनीष जी, एक भी। और 2014 के बाद सिर्फ पॉलिटिकल सब्जेक्ट पे ही बना रहे हैं, वो भी जो नेशनलिज्म वाली हो, ताकि अब क्योंकि मंडी इधर की सजी है तो यहाँ माल कमाया जाए, बाकी इशारेबाजी जावेद अख्तर से भी करते रहो, ताकि मंडी में दुकान इधर से उठा के उधर लगानी हो तो कोई परेशानी ना हो। ये ठग है इसलिए आज जिक्र किया, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग अपना, हम लोगों ने अपने बिल्कुल, हमारा जो काम है परसेप्शन किस चीज को समझना, यदि कल को ऐसे कालनेमी योगी और मोदी के नजदीक पहुंचते हैं तो सलाह क्या देंगे? यही ना कि महेश भट्ट की बेटी को भी नेशनल अवार्ड दे दो, यदि कंगना रनावत को दे दिया, आपको क्या समझ में रहा कि महेश भट्ट की बेटी को नेशनल अवार्ड इस दौर में मिलने का मायने क्या है? सर ऐसे ऐसे सलाहकार होंगे सिस्टम में जी, आप तो बड़ी मेरी दुखती रख पे हाथ धर दिया। मैं इस बात पे आज कहा तो मैं बताता हूँ कि जिन्होंने महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट को नेशनल अवार्ड दिया
उनको सर मानी चाहिए, और जिनको इस कुर्सी पे बैठाया कि तुम बैठ के सिलेक्शन करोगे नेशनल अवार्ड को देने का, उन लोगों को मतलब उनके लिए मैं क्या कहूँ, उनको उनको तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मनीष जी एक महेश भट्ट की बेटी है तो छोड़िए, दिया किस बात पे है उसको, उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है, और किस फिल्म के लिए दिया है, गंगूबाई काठियावाड़ी जो एक वेश्या थी और वेश्या के साथ साथ गैंगस्टर थी। तो ये आज भी बॉलीवुड का एजेंडा इस सरकार में भी चल रहा है कि आपने एक एक गैंगस्टर जो एक वेश्या थी, वेश्यालय चलाती थी, वेश्यालयों पर तो उसका सिंडिकेट चलता था, उसके कैरेक्टर को निभाने वाली को आपने नेशनल अवार्ड, तो कहीं कोई पैमाना रखा है तुमने? कल को तुम हाफिज सईद की पिक्चर बनेगी उस पर भी तुम नेशनल अवार्ड दे दोगे? तो इस सरकार में जो बैठे हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय में, मैं लगातार इनके बारे में अपना मोर्चा खोलता हूं। आज आपने सवाल पूछ लिया, तो आलिया भट्ट एक तो केवल महेश भट्ट को ओबलाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने बार बार कहता हूं कि सेंसर बोर्ड से लेके हर जगह वही गुर्दे बैठे हुए हैं, जो उनके लिए मैं क्या कहूं। तो वो आज नेशनल अवार्ड की बात क्योंकि कर दी मनीष जी ने, तो ये समझिए कि एक एक वेश्या जो माफिया सरगना थी, उस ट्राइब के चरित्र को महिमा मंडित करने वाले यहाँ पे नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि मोदी किधर जा रहे हैं और भाजपाई किधर जा रहे हैं, ये समझिए, मोदी देश को किधर ले जा रहे हैं, ये भाजपाई किधर ले जा रहे हैं। तो ये बात मैं कहता हूँ, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल सर, और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप गुरुजन बताइए कि हम वैक्सीन वार देखें या ना देखें। नहीं नहीं, आपकी मर्जी पे है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ आपकी मर्जी है, आप यदि फिल्म प्रेमी हैं आप देखिए, आपकी मर्जी है, हम इसके खिलाफ मुहिम नहीं चलाएंगे। लेकिन काल नेमी की पहचान तो करनी होगी आपको कि क्या सिर्फ फिल्म कमाने, माल कमाने के लिए सनातन का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कोई माल कमाने के लिए राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपने दुश्मन की पहचान करनी ज्यादा जरूरी है, और हमारा और सतीश जी का उद्देश्य सिर्फ यही है। नहीं, जैसे ही हमारा इस्तेमाल कर रहा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये कह रहे हैं कि कंगना रनावत ने अपने शो में सनातन धर्म का मजाक उड़ाने वालों को अवार्ड दिया है, और चर्चा थी उसे भी बीजेपी से टिकट मिलेगा। अब ये चर्चा क्या थी इन सब चीजों पे, तो अब क्या कहा जाए? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं आया। हाँ। ये कहां के क्या आप जिक्र करो, लेकिन हाँ, कंगना रनौत के कम से कम 2 दर्जन ऐसे प्रकरण है कि उसने इनको धोया है बहुत बुरी तरीके से, और वो महिला बंबई में तब टकरा गई थी जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री और ये गठबंधन शिवसेना का और फलाना डिमाका, इन सबसे वो महिला अकेली लड़ी थी, और उसके पक्ष में ये जरा गौर कर लीजिएगा कि उसके पक्ष में ये विवेक अग्नोत्री भी नहीं खड़ा हुआ था, याद कर लीजिएगा, ये बहुत ये अकेली लड़ी थी वो महिला। बिल्कुल सर, समय तो बहुत हो गया, लेकिन आज प्रधानमंत्री गुजरात में थे, और इसलिए थे क्योंकि 20 साल उनके पूरे हुए गुजरात के चीफ मिनिस्टर से भारत के प्रधानमंत्री बनने का दौर। मैं उनका एक भाषण सुन रहा था जिसमें वो क्या दिला रहे थे कि कैसे उन्होंने गुजरात वाइब्रेंट गुजरात चलाया, और कैसे उन्होंने ये कहा कि ड्राइविंग सीट पे गुजरात होगा देश के लिए, ये प्लानिंग उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए किया, और उसमें वो सफल भी हुए। आज उन्होंने ये बताया कि ये भी बताया कि मेरा बहुत महत्व हो सकता है, कुछ गुजरातियों को बुरा भी लग गया होगा कि गुजराती पहले इधर का सामान खरीद के उधर बेचने का धंधा करते थे, लेकिन अब निर्माण का काम करते हैं, और यही चीज गुजरात को लेकर के जो वाइब्रेंट गुजरात चलाया, ड्राइविंग सीट पर गुजरात को बैठाया, आज भारत को बैठाने की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।